सोलन में युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा 2 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। युवा उत्सव में जिलाभर से आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया। कार्यक्रम के दौरान लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। नाटिकाओं के माध्यम से महिला पर हो रहे अत्याचारों पर कटाक्ष किया गया। वहीं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जैसी मुहिम को कैसे सफल बनाया जा सकता है इस बारे में जानकारी दी गई। इन सभी विषयों पर बेहतरीन प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों का खूब मनमोहा। अधिक जानकारी देते हुए युवा सेवा एवं खेल विभाग के संयोजक बलराम शर्मा ने बताया कि सोलन जिला के सभी खंडों के करीबन 174 युवा 2 दिवसीय युवा उत्सव में भाग ले रहे हैं। उन्हें बताया कि युवाओं में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करने के लिए युवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। साथ ही युवाओं में छिपी हुई प्रतिभा को निखारा जाता है और उन्हें कला में व्यस्त रखने का प्रयास कर उन्हें नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रखा जाता है। सभी खंडों से चयनित 174 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का हमारा मुख्य उद्देश्य नंबर 1 कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको जीवित रखना है। वो जो दूसरा जो उद्देश्य रहता है हमारा, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को पैदा करना। तथा तीसरा जो हमारा उद्देश्य है वो बच्चों को एक आजकल जो नशा है उससे भी इनका ध्यान बंटा हुआ रहता है और संगीत में होकर भी अपना समय संगीत की तरफ भी उड़ सकता है और जिससे बच्चों को नशे से मुक्ति मिल सकती है।